इतनी गजब भीड़ हो चुकी है। हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है और आई होप आप सबको मेरे उत्तराखंड की सीरीज अच्छी लगी होगी। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। और आज अपन चल रहे हैं नई लोकेशन पे। तो आज मेधांश के भी स्कूल का फर्स्ट डे है, वो भी तैयार हो गया है। देखिए अब इसको स्कूल छोड़ के आते हैं। हेलो बेटा, तो चलते हैं इसके स्कूल, पहले इसको स्कूल छोड़ते हैं फिर चलते हैं नई लोकेशन पे। तो मिलते हैं आपसे आगे ब्लॉग में, तो बने रहिए साथ में। चलो शुरू करते हैं। तो हम स्कूल पहुंच गए हैं, ये हमारे घर के नज़दीक में ही बनी हुई है, तो इसको छोड़ के आते हैं मेधांश को। लो बेटा बैग लगाओ। बाय। तो गाइस आ गए हैं हम अपनी गाड़ी में, अब चल रहे हैं नई लोकेशन पे, तो बने रहिएगा साथ में। निकल रहे हैं यहाँ से गाड़ी लेके पार्किंग से, तो दिखाते हैं आपको आज एक नई लोकेशन। तो रास्तों को एंजॉय कीजिए। मंडोर की साइड निकलेंगे, मंडोर की साइड अपन आगे चलने वाले हैं। गाइस एक बार ये ट्रैफिक क्लियर कर देते हैं, मेन रोड पे आ जाते हैं। अभी थोड़ा सिटी से निकल रहे हैं। ये एरिया है के एन कॉलेज का। पता नहीं क्या हो गया है, आवाज अटक कैसे रही है। ये ट्रैफिक देखिए आप, अपन निकल रहे हैं मंडोर की साइड। आज एक दिन की परिक्रमा होती है, तो परिक्रमा में काफ़ी लोग होते हैं जो एक ही दिन में, जो हमारे जोधपुर में तीर्थ स्थल है वहाँ पे परिक्रमा करते हैं, मतलब वहाँ जाते हैं दर्शन करते हैं एक ही दिन में। जो एक होता है इस साइड तो दूसरा होता है आउट, मतलब एक होता है पूर्व में और एक होता है पश्चिम में, मतलब चारों दिशाओं में फैले हुए हैं तीर्थ स्थल। तो बसों में गाड़ियों में करते हैं दर्शन करते हैं और परिक्रमा करते हैं उनकी एक ही दिन में। थोड़े दिन बाद में आने वाली है भोगीसील परिक्रमा, जो 7 दिन की होती है, वही तीर्थ स्थलों पे लोग पैदल यात्रा करते हैं। तो आज अपन चल रहे हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे काफ़ी लोग आएंगे दर्शन करने के लिए, और जगह भी पहाड़ों के बीच में बनी हुई है, बहुत ही शानदार जगह है, लोकेशन बहुत अच्छी है, तो आपको भी दिखाते हैं। तो बने रहिएगा साथ में ब्लॉग में, चलते हैं आपको भी वहाँ लेके, थोड़ा सा ट्रैफिक क्लियर करके फिर मिलते हैं आपसे वापस। तो गाइस रेलवे फाटक पे रुके थे और ट्रेन जैसे गई है और बस चल रहे हैं अंदर। फाटक ओपन हो जाए चलते हैं अंदर, ट्रेन निकल चुकी है। खोल दे भाई फाटक। निकल गए हैं, फाटक ओपन हो गई है, जैसे कि ये रास्ता है जाने का, मेजर माता मंदिर चल रहे हैं अपन। बैरी गंगा वाली रोड है,
हमारी ऑफ रोडिंग चल रही है। पहुंच गए हैं गांव के पास, सनराइज पहुंचने वाले हैं हम बस थोड़ी देर में, आपको लोकेशन दिखाएंगे। बहुत ही शानदार लोकेशन है, पहाड़ों के बीच बना हुआ ये मंदिर, बहुत ही पुराना। और कहते हैं लोग के यहाँ पे नीचे गुफाएं बनी हुई है जो यहाँ से मेहरानगढ़ फोर्ट तक जाती है अंदर से अंदर मंडोर होते हुए। अभी कोई गया तो नहीं है बट पहले के लोग बोलते हैं ये देखो बस यहाँ गई है, ये सब यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं, परिक्रमा देने के लिए आते हैं। चारों तरफ पहाड़ी पहाड़, बहुत ही शानदार लोकेशन है। एंटर करेंगे अपन, ये गेट है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं सामने की साइड जो दिख रहा है आपको वाइट वाइट नजर आ रहा है वो मंदिर है पहाड़ों पे। बहुत ही प्यारी लोकेशन है, ऑफ रोडिंग वाला पैच है, इसको करते हैं क्लियर, चलते हैं आगे। हमने गाड़ी पार्क कर दी है, यहाँ पे लोकेशन है, पूरा खेत है ये पहाड़ के बीच में, टेंट आ रहा है बीच में, इसके पीछे मंदिर। चलते हैं ऊपर, दिखाते हैं आपको भी। तो ये कुछ ऐसा मंदिर का गेट है, ये अंदर मंदिर है। जय माता दी। पहाड़ के नीचे कुछ ऐसा बना हुआ है मंदिर, देख सकते हैं। ये दहीजर माता जी, माँ चामुंडा माता, अखंड चामुंडा माता और माता जी की है।
हो चुकी है लोगों की दर्शन के लिए। आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ भी नहीं रही होगी, बहुत भीड़ है, बहुत शोर है। ये हमारे योगी की सेवा दे रहे हैं हमारे, ये गुफा के अंदर से लोग आ रहे हैं फेरी को। देखे हो गया अंधेरा, भीड़ भी अभी तक भी लोग आ रहे हैं दर्शन को, देख सकते हैं अभी तक भीड़ आ रही है। और अभी टाइम हुआ है 9:04, आप देख सकते हैं। तो चलते हैं, निकल रहे हैं यहाँ से।